पैकेजिंग एंड प्राइस के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है इंग्रेडिएंट्स की। जी हाँ, मुझे बहुत सारे लोग इंग्रेडिएंट्स के बारे में काफ़ी सवाल पूछते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे एक चीज़ जो हमेशा लोग देखते हैं पैराबेंस, तो वो इसमें है। मैंने शायद ऑनलाइन चेक नहीं किए थे इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज आई वॉज एन अजम्पशन कि इसके जो एलोवेरा जेल का जो था, जैसे ये मेरे पास जो एलोवेरा जेल है, एलो एक्वा जेल, इसमें पैराबेन नहीं थे। तो आई वॉज एन अजम्पशन कि नहीं होगा, एंड आई जस्ट क्विकली ऑर्डर्ड इट, क्योंकि मुझे एक डे क्रीम भी चाहिए था। तो एनीवे, इन शॉर्ट इसमें पैराबेंस है, तो अब मैंने ले लिया है, मैंने यूज़ भी करना स्टार्ट किया है। लेकिन जब मैं इसको ख़त्म करूँगी तो शायद मैं फिर से नहीं लूँगी, क्योंकि आई अवॉइड पैराबेन वाले प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कहता है कि ये आपको सिटी रेडी स्किन देगा, मतलब पोल्यूशन जो होता है ना, इससे ये आपको दूर रखेगा, क्योंकि इसमें एलो लीफ एक्सट्रैक्ट्स है जो आपको पोल्यूशन से बचाते हैं, आपकी स्किन हाइड्रेट करते हैं। उसके साथ साथ इसमें SPF 20 PA++ है जो आपको UV रेस से भी बचाता है। तो टेक्सचर की अगर बात करेंगे तो इसका टेक्सचर आप साइड बाय साइड देख सकते हो, एक नॉर्मल लाइट क्रीम की तरह है, ज़्यादा थिक नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो फिर ये एब्जॉर्ब होने में स्किन पे थोड़ा सा टाइम लेता है। जस्ट टेक लिटिल क्वांटिटी एंड देन गो अहेड एंड मेल्टेड डाउन ऑन योर स्किन। और इसका वाइट कलर है, फ्रैग्रेंस उसी रेंज का है जो एलो एक्वा जेल का जैसा था। तो इस रेंज में सारे प्रोडक्ट्स का जो फ्रैग्रेंस है वो सिमिलर टाइप का है। क्रीमी कंसिस्टेंसी का क्रीम है, तो अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है और अगर आप सोच रहे हो कि ये जेल कंसिस्टेंसी में होगा, ये मेरे स्किन के लिए अच्छा होगा, तो नहीं। इट हैज़ प्रॉपर क्रीमी टेक्स्चर जो शायद ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों को इतना अच्छा ना लगे, बिकॉज आई हैव ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन। तो मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा सा चाहिए था कि थोड़ा जेल कंसिस्टेंसी की तरफ हो, लेकिन ये क्रीमी कंसिस्टेंसी का है। इसको कैसे यूज़ करना है, तो पहले इनका कहना है कि अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप वो लगाइए, और उसके साथ साथ ये क्रीम लगाइए मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो अब लगाते हैं डे क्रीम जो इस रेंज का है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत थोड़ा सा लूँगी और फिर मैं यहाँ पे डॉट करके लगा रही हूँ। मेरे फेस पे काफ़ी सारे नए गेस्ट दिखेंगे आपको, पिंपल्स बिकॉज ऑफ मैंगोज। तो ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, जल्दी मेल्ट हो जाती है अगर आप कम क्वांटिटी में लगाओ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हो तो ये जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो बहुत ही लाइट हैंड से इसको स्प्रेड कीजिए और फिर ये मतलब बिल्कुल चला जाता है आपके स्किन पे। स्किन टाइप की अगर बात करेंगे तो ये सारी स्किन टाइप्स के लिए है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक स्किन टाइप के बारे में लिखा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये थोड़ी सी इतनी लाइट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, जितनी क्विक एब्जॉर्बिंग होनी चाहिए थी। आई नो इट्स लाइक इट टेक्स 1 मिनट, दैट इज़ नॉट दैट मच, लेकिन मुझे आदत है थोड़ी सी जेल कंसिस्टेंसी की क्रीम यूज़ करने की। और थोड़ा सा और एक चीज़ लगा मुझे कि इससे थोड़ा मुझे स्वेटिंग हुआ, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो आई थिंक ये नॉर्मल टू ड्राई लोगों को ज़्यादा सूट करेगी, और एजिंग के हिसाब से, मतलब एज वाइज अगर आपको देखना है कि कौन से एज के लिए चलेगी, तो आई फील लाइक 25 के अंदर के लोगों के लिए ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 25 के ऊपर या इवन लाइक 20 के ऊपर आजकल सारे लोग एंटी एजिंग, एंटी पिगमेंटेशन चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्योंकि दे टेक केयर ऑफ देयर स्किन बिफोर हैंड। तो ये आई थिंक टीनएजर्स के लिए बेस्ट क्रीम रहेगी, एंड दैट ऑल्सो फ्रॉम नॉर्मल टू नॉट कॉम्बिनेशन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन। ऑयली टू कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है, मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं आई है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि इट डिपेंड्स ऑन यू, योर स्किन टाइप,
कि आपको ये कैसे सूट करती है। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मैंने ये भी बताया है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कौन से स्किन टाइप या कौन से एज के लिए अच्छी रहेगी। तो यही है मेरा ओवरऑल रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।